हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी लोगों का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय आईपीओ की बाहर आई हुई है। हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और नई आईपीओ रिव्यू वीडियो जिसमें आप लोग आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एमिएबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का एक SME आईपीओ है, इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जानेंगे इस कंपनी के बारे में सब कुछ। और टेबल ऑफ द कॉन्टेंट्स रहेगा, हम कवर करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में क्या रही है अभी तक, कंपनी की वैल्यूएशन और मार्जिन्स को चेक करेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या मजबूतियां हैं इस कंपनी के अंदर, सब कवर करने वाले हैं। आईपीओ के बारे में पूरी फुल डिटेल देंगे, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं, पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। एमिएबल लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। इसका आईपीओ ओपन होने वाला है जो कि 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ओपन हो रहा है। इसके बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर लगती है तो आप लोग यहां से बहुत अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के इन्स एंड आउट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी की क्या प्रोफाइल है, कंपनी के क्या वर्क्स हैं, ये सब अच्छे से पहले जान लेते हैं। अबाउट द कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी पिछले 19 साल 10 महीने से लगातार मार्केट में काम कर रही है और कंपनी की इनकॉर्पोरेशन 2 दिसंबर सन 2002 में हुई है और कंपनी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पे। और आगे देखें तो अगर MCA की साइट पर विजिट करके अगर हम डिटेल निकालते हैं, इसकी ऑथराइज्ड जो कैपिटल है 1.85 करोड़ है ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर पैडअप कैपिटल की बात करें तो 1.21 करोड़ है एज पर MCA डेटा के अनुसार अगर हम बात करें। आगे बात करते हैं, अगर की मेंबर्स की बात करते हैं इस कंपनी की, कौन कौन इस कंपनी में मेन है, तो मानसी निर्वाह गांधी एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम कर रही हैं और अंसारी फैजान अहमद फकरे आलम ये कंपनी के CFO हैं। ये दोनों कंपनी के मेन एग्जीक्यूटिव्स हैं। कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी के ऑपरेशंस वर्क को और कंपनी के जितने भी इसके अलावा एग्जीक्यूशंस के काम होते हैं वो पूरे ये लोग देखते हैं। और कंपनी के अगर मेन डायरेक्टर्स की बात करें तो कंपनी के टोटल 6 डायरेक्टर हैं जिसमें मेन है किशोर लक्ष्मीदास मांगे, मोहन करसन दास नंदा और तीसरे हैं ललित मांगे और 3 अदर मेंबर्स भी इसमें प्रेजेंटली एसोसिएटेड हैं एज ए डायरेक्टर। टोटल 6 लोग मिलकर इस कंपनी के सारी फ्यूचर प्लानिंग और जो भी प्रेजेंट का सिनेरियो उसको देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वर्क्स के बारे में कि कंपनी वर्क क्या करती है। कंपनी का जो वर्क है वो एक क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट और कस्टम हाउस ब्रोकर के रूप में काम है। जितने भी इम्पोर्टर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना ये कंपनी का काम है। कंपनी स्मूथ क्लियरेंस का और ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, चाहे वो समुद्र के रास्ते हो या सी के रास्ते हो या रोड के रास्ते हो, उसको कार्य करने का काम कर रही है कंपनी। कंपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल फ्राइट फॉरवर्डिंग का काम है कंपनी का और रिकवरी करना कंपनी का ऑल टाइप्स ऑफ क्लेम्स, चाहे वो कस्टम इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वो करती है। कंपनी एयर, रोड और सी के रास्ते जितने भी काम होते हैं वो सारे ट्रांसपोर्टेशन के या लॉजिस्टिक्स के जो काम है वो कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस की कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ सालों में, उसके अनुसार ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इसे आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। एमिएबल लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम लोग देखने वाले हैं आज और पिछले 3-4 साल का हम लोग पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 इन तीनों सालों का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है वो उठाएंगे और 30 सितंबर 2022 का जो क्वार्टर है उसको भी हम लोग चेक करेंगे। चलिए जानते हैं, चेक करेंगे हम लोग टोटल एसेट्स को, टोटल कंपनी की रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन रहा है कंपनी का, कंपनी की नेटवर्थ कितनी इंक्रीज हो रही है इसको हम लोग देखेंगे लगातार हर साल कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है और रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के पास में, सरप्लस कितना है और टोटल बारोइंग कितनी है, कंपनी पर कितना कर्ज है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जितने पैरामीटर्स हैं ये चेक करने वाले हैं 2020 से लेकर 22 के बीच में। चलिए सबसे पहले एसेट्स को चेक कर लेते हैं। 31 मार्च 2020 की बात करें तो कंपनी के पास में 464 लाख के टोटल एसेट्स हैं। उसके बाद में 31 मार्च 2021 में कंपनी के एसेट्स कम हुए हैं, फिर 31 मार्च 2022 में बढ़े हैं 368 लाख से ज़्यादा के हो गए और 30 सितंबर 2022 में तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है 657 लाख से ज़्यादा के हो गए। उसी प्रकार टोटल रेवेन्यू पर भी असर पड़ा है 1613 लाख, फिर उसके बाद में 22 में देखें तो 1725 लाख, लेकिन 31 मार्च 2021 में इसकी रेवेन्यू भी कम हुई 1403 लाख रह गई थी। अब देखिए सितंबर में 1364 लाख की टोटल रेवेन्यू हुई। इसी प्रकार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, 21 लाख के आसपास का था 20 में, फिर उसके बाद 29 लाख हुआ, फिर 48 लाख और 65 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर मिल रहा है कंपनी को। नेटवर्थ देखें
तो 92 लाख से ज़्यादा थी कुछ 2020 में, फिर उसकी 21 में 127 लाख के आसपास गई है, फिर उसके बाद 175 लाख और इस समय 240 लाख से ज़्यादा की नेटवर्थ कंपनी की हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है, ये इम्प्रूवमेंट लगातार दिखा है। अगर सरप्लस की देखें तो ये भी बढ़े हैं, 2022 में थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन अगर बात करें सितंबर 2022 के लास्ट क्वार्टर की तो 119 लाख से ज़्यादा के इस समय कंपनी के पास में रिजर्व्स पड़े हुए हैं। टोटल बारहवीं की बात करें तो कंपनी के पास में पहले लगभग 1 करोड़ के आसपास के यहाँ पर टोटल दिख रहे हैं, 99,47,000 के आसपास के बारहवीं, उसके बाद में लगातार कम हुई है कंपनी की जितनी बारहवीं से, लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अगर रिजर्व्स के सामने इसको चेक करें तो कंपनी के ऊपर कह सकते हैं कि इसमें 0 डेट है, कोई भी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं है। ये अच्छी बात है। अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2022 के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे और फाइनेंशियल ईयर 2023 को भी थोड़ा सा देखेंगे। रेवेन्यू और एक्सपेंस को आपस में माइनस प्लस माइनस करेंगे तो नेट इनकम निकल के आ जाएगी, वो हम लोग देखेंगे कितना कंपनी का नेट इनकम हो रहा है। 1581 लाख का था, फिर उसके बाद 1376 लाख का हो गया 2021 में, और फिर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 1703 लाख से ज़्यादा का दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है, और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 1343 लाख का रेवेन्यू हुआ है, और इसी प्रकार खर्चे भी हुए हैं 1588 लाख के, फिर उसके बाद 1369 लाख के, फिर यहाँ पर देख पाए 1667 लाख के आसपास के, और फिर 1277 लाख के, और इस प्रकार नेट इनकम निकल के आ रही है। जो उसमें देखिएगा 2020 में 21,43,000 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में 29,67,000 का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, और फिर 48,38,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, फिर उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 65,08,000 का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये है, कंपनी का लगातार ग्रोथ हो रही है, इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब कंपनी की वैल्यूशंस और मार्जिन पर नज़र दौड़ा लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर और 22 के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे अर्निंग पर शेयर के बारे में, और पीई रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में बात करेंगे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और नेट एसेट वैल्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बीच में हम आपको बताएंगे कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो लगातार इम्प्रूव हुआ है, 1.77, 2.45, फिर उसके बाद 4 पर पहुँच गया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि कंपनी के आने वाले टाइम फ्यूचर को लेकर, और कंपनी का पीई रेशियो भी बिल्कुल ठीक है, 20.25 जितना होना चाहिए, 30 से नीचे होना चाहिए, तो लगभग 20 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 23.24%, उसके बाद 23.33%, उसके बाद 27.56%, ये भी नेटवर्थ भी लगातार इम्प्रूव हुई है। नेट एसेट वैल्यू की देखें अगर बात करें तो 7.63 थी, फिर उसके बाद 10.52 दिखा रहा है, फिर उसके बाद 14.52। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी की जो वैल्यूशंस और मार्जिनस हैं इसमें बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट हैं, बहुत अच्छा दोस्तों ग्रोथ दिख रही है हमें यहाँ पे। तो इसका मतलब है कंपनी का जो आईपीओ हो वो भी अच्छा खुलने की पूरी उम्मीद है हम सभी लोगों को। अब कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि कंपनी की क्या इसके अंदर क्वालिटीज हैं। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्स है कंपनी का, और कस्टमर का बेस बहुत अच्छा है। मॉडर्न प्रोसेस हैं, टेक्नोलॉजी है कंपनी के पास में। टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, टीम है बिल्कुल स्किल्ड पर्सन्स की, ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस है कंपनी का। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस फॉर लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के हर प्रकार का कंपनी के पास में सॉल्यूशंस है। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है कंपनी के पास में। कंपनी के पास में वो सारे हथियार हैं जो होने चाहिए एक कंपनी के पास में, जितनी भी सफल कंपनियों के पास में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी कंपनी में शुमार हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कंपनियों की आईपीओ डिटेल की। अब आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं, कब अप्लाई करना है और क्या रहने वाला है इसके अंदर। कंपनी में आप लोगों के लिए जो आईपीओ की डेट्स हैं 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ओपनिंग डेट्स हैं, इसके बीच में आप लोग अप्लाई करेंगे, और कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस रखा गया एक शेयर का 81 रुपये प्रति शेयर है, 81 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको लेना है। 5,39,200 टोटल शेयर्स रहेंगे, 4.37 करोड़ का टोटल ये फ्रेश इशू रहेगा, ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये अच्छी बात है। और टोटल आईपीओ के साइज की बात करें तो वही रहेगा फ्रेश इशू जो है, आप देख पा रहे होंगे मिनिमम 1600 शेयर आपको लेने हैं, और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 1,29,600 का रहने वाला, 10 रुपये प्रति शेयर इसकी फेस वैल्यू है। रिटेल एलोकेशन की बात करें तो 50% यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को चांस मिलेगा यहाँ पर अप्लाई करने का। लिस्टिंग ऑन NSE इमर्ज में इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि SME IPO होते इसकी लिस्टिंग अलग। ये अब बात कर लेते हैं कि IPO का अलॉटमेंट किस डेट को होगा और किस डेट को इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। टेंटेटिव टाइम टेबल को चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। ओपनिंग जो डेट है 2 नवंबर से शुरू हो रहा है IPO, क्लोज हो रहा है 7 नवंबर को, इसके बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट 11 नवंबर को होगा,
रिफंड्स हैं 14 नवंबर को आ जाएंगे अगर आपको अलॉट नहीं होता है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें तो 15 नवंबर को होगा और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 16 नवंबर को होने की संभावना है। अगर कोई भी इसमें अपडेट्स आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे और लगभग 16 नवंबर को ही इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ का जो लॉट साइज रहेगा आपके लिए वो क्या रहेगा, कितना आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, कितने आप लॉट ले सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम रिटेल कैटेगरी 1 लॉट ले सकती है और 1600 शेयर आपको लेने होंगे और 1,29,600 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। और मिनिमम अगर और मैक्सिमम की बात करें तो दोनों में एक एक लॉट ही आपको मिल सकता है, इससे ना तो ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा और आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 1,29,600 का ही रहने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में कितनी होल्डिंग है इस पर अगर नज़र डालें तो देख पा रहे होंगे आप लोग, प्री इशू शेयर होल्डिंग इनके पास में 100% थी। अब अगर बात करें तो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 69.16% है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है। अब सीधा चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं इस कंपनी की ऑफिशियल साइट के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। गूगल पर सर्च करेंगे एमिएबल लॉजिस्टिक, सर्च करने के बाद में पहली साइट को ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे होम, अबाउट, सर्विसेज, क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट, गेट अ कोट, इंक्वायरी, इन्वेस्टर, मोर के ऑप्शंस दिए हैं ऊपर। कमिटमेंट टू फास्ट डिलीवरी, एक कमिटमेंट करते हैं फास्ट डिलीवरी का। आप लोग यहाँ पर पिक्चर के जरिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम रहता है, जो भी इनके लॉजिस्टिक्स का इनका वर्क है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने का काम करते हैं, जितना भी वर्क्स रहता है वो इस प्रकार यहाँ पर सामने आपको साइट्स पर नज़र आएगा कि कैसे ये डिलीवरी का काम करते हैं। सर्विस वी ऑफ़र, ये जो भी सर्विस ऑफ़र करते हैं वो सामने दी गई हैं। ये इनके होम पेज पर आएंगे तो इस प्रकार जो भी इनके मेन मेन पॉइंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। हम अच्छे से इसकी साइट को एक्सप्लोर करेंगे, हर चीज़ इनकी चेक करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें वो चीज़ मिल जाए ताकि हम आईपीओ को अप्लाई कर सकें। अगर हमें यहाँ पर कुछ लगता है, कुछ एनालिसिस में लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो हम लोग इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब अबाउट्स पर क्लिक करते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, इनकी जो कंपनी की प्रोफाइल है, देखिए अबाउट अस में कंपनी की प्रोफाइल के बारे में दिया है, इसको आप पूरा अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कंपनी की वैल्यूज के बारे में दिया गया है, कंपनी का विजन मिशन क्या है इन्होंने पूरा क्लियर किया है यहाँ पे, जो भी इनकी स्ट्रेंथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इनकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में दिया है, आर विजन, आर क्वालिटी पॉलिसी जो भी है, आर कोर वैल्यू, जो इनकी कोर वैल्यू हैं आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। व्हाट आर क्लाइंट्स से, इनके क्लाइंट्स इनके बारे में क्या रिव्यू दे रहे हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, हम तो रिव्यू कर ही रहे हैं, इनके क्लाइंट्स क्या रिव्यू दे रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। सर्विसेज में देखते हैं कंपनी की जो मेन सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। सर्विस में जाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैराइन, एयरवेज के द्वारा, रोडवेज के द्वारा, ये सारा इनका ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, जो कंपनी लॉजिस्टिक्स का काम कर रही है, इनमें ये लोग कैसे ना कैपिटल हैंड हैं। अब देखिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्लियरेंस का काम करते हैं, स्पेशल सर्विस देते हैं, वेयर हाउसिंग की, कंसल्टेंसी की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, ये इनके मेन 4 काम हैं। देखो क्लियर दिख रहा होगा, उसके बाद क्लाइंट्स पर क्लिक करेंगे, होम पेज पर क्या होता है ना, सब कंबाइंड जो भी इनकी साइट पर मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो दिख जाते हैं, उसके बाद में अलग अलग हम स्पेशल जाके क्लाइंट्स इनके चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये देखिए इनके क्लाइंट्स हैं, अरिहंट ट्यूब्स क्लाइंट्स, अपोलो मेटल इंडस्ट्रीज, अपेक्स स्टील एंड अलॉय, अपेक्स मेटल्स एंड निकल्स एलॉय, ये देखिए इनके क्लाइंट्स हैं, ये इनके क्लाइंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के क्लाइंट्स हैं जिनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। आप सभी लोग देख पा रहे हैं, नाम पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मेन क्लाइंट्स के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनी को, कंपनी से बात कर सकते हैं, इनके ऑफिस में जा सकते हैं, ये एड्रेस दिया गया है, आप सभी लोग विजिट करिए, वर्चुअल टूर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपना यहाँ पर डिटेल भर देंगे तो आपको डिटेल उससे रिलेटेड मिल जाएगी। अगर आपको कोर्ट चाहिए तो कोर्ट मिल जाएगा, इंक्वायरी चाहिए तो इंक्वायरी मिल जाएगी, किससे रिलेटेड चाहिए वो पूरा आपको कॉलम को क्लिक करके उसमें फिल करना होगा जाके। रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेम आ जाएंगे, आर मैनेजमेंट, जो भी इनके मैनेजमेंट में मेन लोग हैं, ललित मांगे हैं, किशोर लक्ष्मीदास मांगे, मोहनलाल, जो भी मेन 6 डायरेक्टर थे जिनके नाम हम वहाँ पर बता रहे थे आपको शुरुआत में, वो सारा यहाँ पर एक एक करके दिया गया है, आप इनको पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, मेन डायरेक्टर कौन है, सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। कंपनी की न्यूज और फैक्ट्स के बारे में चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर।
कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है, क्या इनका सर्टिफिकेशन है, वो सारा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इनकी साइट पर। आप हर चीज़ जाके यहाँ पर एक्सप्लोर कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छे से जानने के बाद में ही आप लोग आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचें। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको हर चीज़ यहाँ पर जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज ये रहा साइट का विजिट, हम लोगों ने देखा कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। ये रहा कंपनी की ऑफिशियल साइट पर हमारा विजिट, हम लोगों ने चेक किया कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का कितना बड़ा काम है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाली है। अब बात करते हैं कि कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग अपना सेल्फ एनालिसिस कर लीजिएगा, मेरी तरफ से यस है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने टॉप लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं इस वीडियो की, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट बना सकते हैं और इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेडिंग करना भी शुरू कर सकते हैं। आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके चेक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और लगातार आपको यहां पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपको आज की वीडियो और आज का हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नई वीडियो में।